घाटी पर पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं नेशनल हाईवे पर मौजूद ये दुकानें हैं, जिन पे दो आप देख पा रहे हैं, दो यहाँ पर पीले पंजे चलते हुए आप लोग देख पा रहे हैं। डीटीपी मैडम जो है आज निकली है नेशनल हाईवे पर, जितनी भी अवैध प्रॉपर्टीज हैं, जो ग्रीन बेल्ट की लगती प्रॉपर्टीज हैं, ये नेशनल हाईवे पर जितनी भी एक तरीके से दुकानें आप लोग देख पा रहे हैं खाली पड़ी हैं, और इन्हें एक एक करके यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप लोगों से अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देख पा रहे हैं। जो शटर बंद थे, चार दुकानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सबको एक एक करके सबके शटर जो है पहले तोड़ी जा रहे हैं, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं दो क्रेन्स यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरीके से इस अवैध प्रॉपर्टी पर एक प्रशासन का पीला पंजा हुआ चलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी तरह से ध्वस्त जो है इसको किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होते हुए नजर आ रही है। करनाल में जितने भी अवैध प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके सभी को इसी तरीके से ध्वस्त करते हुए दिख रही है डीटीपी मैडम, जो नई डीटीपी मैडम पहुंची हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने दिखाया था करण विहार की भी कुछ दुकानें थी जो कि इलीगल तरीके से बनी हुई थी, वो भी जाकर ध्वस्त की जाती है। अब ये देख पा रहे किस तरीके से सभी दुकानों को यहाँ पर तोड़ते हुए दिख रहे हैं, पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर दिखाई दे रही है करनाल में, प्रशासन की तरफ से एक काम जो है किया जा रहा है। जितनी भी अवैध प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ, नेशनल हाईवे की इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर दो क्रेन्स यहाँ पर बुलाई गई है, पीला पंजा इन चार दुकानों पर शटर पहले तोड़ गए। आप देख पा रहे किस तरीके से पूरी तरह से ये ध्वस्त यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। डीटीपी मैडम भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, और किस तरीके से पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का पूरा साथ में जो टीम्स है वो भी चलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देख पा रहे पूरी दुकान तोड़ दी गई है, आप लोग देख पा रहे हैं पूरी किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल भी इस अवैध प्रॉपर्टी को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा, और लगातार कार्रवाई जो है बनती जा रही है। आप देख पा रहे हैं पूरी ये दुकान तोड़ी जा चुकी है, ये दुकानें खाली पड़ी हुई थी, चार दुकानें यहाँ पर दिखाई दी। नेशनल हाईवे की ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डीटीपी मैम से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, कितने वक्त से अवैध प्रॉपर्टी यहाँ पर थी, क्या कुछ डिटेल्स इसके बारे में मिली है। ग्रीन बेल्ट में जितने भी हाईवे पर इस तरीके से अवैध प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं, उन्हें एक एक करके जो है ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे देखना होगा और क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन करते हुए दिख रही है, एक एक्टिव मोड में आती हुई दिख रही है जो प्रशासन है, सरकार एक्टिव मोड में आते हुए दिख रही है। मैं करनाल की बात करूँ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा अवैध प्रॉपर्टीज जो है बनी हुई है, लेकिन इस तरीके से पीला पंजा चलाना आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे पर भी, जितनी भी अवैध प्रॉपर्टीज है उसे बंद कर तोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपने देखा पूरी दुकानें, पूरी प्रॉपर्टी जो है तोड़ते हुए दिख रहे हैं, आधे से ज्यादा ये जितनी भी सब दुकानें बंदी हुई जिसे तोड़ा जा चुका है। आप लोग देख पा रहे पूरे तरीके से रोंदा जा चुका है ये अवैध प्रॉपर्टी, यहाँ पर देख पा रहे हैं नेशनल हाईवे पर मौजूद एक बड़ी कार्रवाई, जी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं करनाल प्रशासन जो है। डीटीपी मैम जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनसे भी अगर हो पाया तो हम उनसे भी प्रयास जरूर करेंगे बातचीत करने का, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जरूर यहाँ पर दिखती हुई दिख रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। जितनी भी जो अवैध प्रॉपर्टीज हैं एक्टिव मोड में यहाँ पर आते हुए दिख रही है पूरी प्रशासन जो है, और हमने काफी इससे पहले भी खबरें देखी है, खबरें दिखाई है कि करनाल की मैं बात करूँ जगह जगह पर अवैध प्रॉपर्टीज जो है बनी हुई है, किस तरीके से काम किया जा रहा है वो अब दिखाई दे रहा है कि लगातार प्रशासन
प्रशासन अपना कार्य करते हुए दिख रही है कि जितने भी अवैध, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, चाहे वो हाईवे की बात करूं या कॉलोनीज की बात करूं, हमने अभी थोड़े ही दिन पहले दिखाया था आप लोगों को कि करण विहार कॉलोनी है, वहां पर भी जो दुकानें बनी हुई थी लीगल तरीके से, उन्हें जो है ध्वस्त किया गया था। वहीं आज जो है नेशनल हाईवे पर मौजूद किस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे, डीटीपी मैम जो है अंदर बैठे, हम उनसे जरूर प्रयास करेंगे बातचीत करने का, अगर वो कुछ कहना चाहें, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इन्हें मिली थी। फिलहाल जो है कुछ ऐसे बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं डीटीपी मैम, हम जरूर प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो कुछ बातचीत करें, हमें डिटेल्स दें, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी जो ध्वस्त किया जा रहा है। एक जो है एक्टिव तरीके से प्रशासन यहाँ पर दिख रही है, लेकिन अभी फिलहाल कोई कुछ बोलते हुए नहीं दिख रहा है। हरियाणा सरकार की गाड़ी यहाँ पर जरूर पहुंची, डीटीपी मैम अंदर पहुंचे, प्रयास जरूर करेंगे बातचीत करने का, क्या कुछ उनका कहना है। आप लोग देख पा रही हैं डीटीपी मैम जो है अंदर बैठी है, बाहर आते हुए अब जरूर दिख रहे हैं, कुछ कहेंगी, क्या कुछ उनका कहना है, आज जरूर बातचीत हम लोग करते हैं, क्या उनका कहना है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना से हो रही है ये सारे कार्रवाई। दूसरी अन्य बिल्डिंग है क्या वो ग्रीन बेल्ट में नहीं आती? जो अन्य बिल्डिंग है क्या वो ग्रीन बेल्ट में नहीं आती? वो भी आती, उनको भी नोटिस। नहीं, जो जितने तो तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से डीटीपी मैडम जो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर जुड़ा रही है। हालांकि इससे पहले भी जो है कंबोपुरा की जो है काफी प्रॉपर्टीज जो थी उनको ऊपर जो है पीला पंजा चलाया गया था, लेकिन किस तरीके से जो है यहाँ पर 2 से 3 ढाबे थे जो कि बंद पड़े थे, हालांकि दुकानें टाइप थी, उनके ऊपर जो है पीला पंजा प्रशासन का जो है चलता हुआ नजर जुड़ रहा है। और उसके बाद देखते कि यहाँ पर जो 3 दुकानें थी उनको जो है ध्वस्त कर दिया गया है, पूरे तरीके से जो है यहाँ पर ढह चुकी है सभी दुकानें, और इसी तरीके की जो कार्रवाई है वो भी जो है आगे चलती हुई नजर जुड़ाएगी। दो दो पीले पंजे लेकर जो है डीटीपी मैडम, हालांकि जो नई आई है अभी करनाल में, उन्होंने जो है आते ही किस तरीके से यहां पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और उसके बाद देखते हैं कि यहां पर जो है फिलहाल प्रशासन का पीला पंजा जो है चलता हुआ नजर जुड़ा, और देखते हैं कि यहां पर जो है फिलहाल 3 दुकानें थी, तीनों को जो है यहां पर ध्वस्त कर दिया गया, और जो दो पीले पंजे जो है लेकर यहां पर जो है डीटीपी मैडम पहुंची, और इसी तरीके की कार्रवाई बताया जा रहा है। शायद इलीगल कंस्ट्रक्शन यहां पर की गई थी, इसको लेकर जो है यहां पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर जुड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे की ओर जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, पहले जो है सामने वाली लाइन में जो दूसरी ओर वहां पर भी जो है काफी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी प्रॉपर्टी पर, वहां पर जो है प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ जरूर नजर आ रहा था। और अब जो है फिलहाल यहाँ पर ये देखते कि फिलहाल दुकानें थी शायद ढाबे थे उनके ऊपर जो है प्रशासन का जो है पीला पंजा चलता हुआ नजर जुड़ रहा है। जितनी आज कार्रवाई कवर अप हो जाएगी उसके बाद दूसरे उसमें भी इसकी कार्रवाई जारी रहेगी ग्रीन बेल्ट में। मैम बता रहे पहले कुछ शायद नोटिस वगैरह भी नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं नोटिस सर्व हुए नोटिस कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो भी प्रशासन का पीला पंजा जो है यहाँ पर पहुंचा जरूर है, और उसके बाद इसी तरह की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जो है लगातार जारी रहेगी। और अब देखते हैं फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर जो है प्रशासन का पीला पंजा जो है चलता हुआ नजर जुड़ रहा है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दो से तीन दुकानें थी वहां पर जो है प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर जुड़ रहा था, और फिलहाल यहां पर जो है सभी जो प्रॉपर्टी जो बनी हुई थी उनको जो है ध्वस्त कर दिया गया। और फिलहाल इससे पहले भी जो है 2 से 3 प्रॉपर्टी जो है कंबोपुरा की जो है उनके ऊपर भी जो है पीला पंजा चलकर जो है यहाँ पर फिलहाल जो नई डीटीपी मैडम है वो यहाँ पर जो है पीला पंजा लेकर पहुंची हैं, और इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है पहले जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनको जो नोटिस भेजा गया था, उसके बाद यहाँ पर जो है इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो चलती हुई नजर जुड़ा रही है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लगातार प्रशासन का जो है पीला पंजा इसी तरीके से जो है चलता हुआ नजर जरूर आ रहा है, और इस तरह की कार्रवाई जो है डीटीपी मैम का कहना है कि आगे आने वाले समय भी जो है चलती हुई नजर जरूर आएगी। जो भी यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की जाएगी उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।